आज 1 फरवरी को बजट पेश होना है, ऐसे में किसानों ने पैदल मार्च निकालने के लिए कहा था। 26 जनवरी को जो हुए उपद्रव के बाद इस मार्च को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन पुलिस ने इस मार्च के मद्देनजर देखते हुए, पुलिस का कहना है प्रदर्शनकारियों का कोई भरोसा नहीं है। दिल्ली में जगह जगह और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि किसान दिल्ली में एंट्री ना कर सके। ऐसे में शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी थाने आते हैं सभी जगह सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त है और पुलिस के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के सभी एसएचओ और एसीपी एडिशनल डीसीपी के साथ मौजूद थे और उन्होंने सभी जवानों का हौसला अफजाई किया और पूछा कि सब लोग मजबूती से डटे हुए हैं ना। देखो, जैसा कि सीनियर लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया है कि अभी किसी भी तरीके से जो है एंट्री दिल्ली की तरफ नहीं होनी है, उसके मद्देनज़र शाहदरा जिला पुलिस का ये अरेंजमेंट इंटैक्ट है और हमारे पूरे ऑफिसर्स इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड वो अरेंजमेंट इतना इंटैक्ट रहे कि किसी भी तरह की कोई एंट्री पॉसिबल ना हो दिल्ली की तरफ। और सारे जवान पूरे कमिटेड हैं, पूरे मोटिवेटेड हैं, जोश में हैं कि एंट्री किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।